हम जो पाकिस्तान से लोग आपके खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे दिल जख्मी हैं, हमारी कमाएं चाक हैं, हमारे बाल उड़ रहे हैं, हम इस वक्त आजाद खुद क्या कर रहे हैं। जाने वाला एक मासूम बच्चा नमाज के लिए मस्जिद में आए और वापसी में अपने बाप की लाश कंधों पे उठा के वापस ले जाए और अपनी माँ को ये कहे, अम्मा आज के बाद मस्जिद नहीं जाऊंगा। आज हमारे मन की ये कैफियत है और मैं भी समझता हूँ जितना नुकसान उस मुल्क को उसके अपने लोगों से हो रहा है, शायद बाहरी ताकतें इतनी तकलीफ देर तकलीफ नहीं पहुंचा। मैं रास्ते में एक पढ़ रहा था कि एक फ्रांस में पेरिस में एक मजलिस मुनक्किद हो रही है और उसमें अमेरिका का एक बूढ़ा पेंटागन का डिप्टी सेक्रेटरी जो है उसको दावत दी गई, वो वहां आया हुआ है और वहां पहुंचता है तो लोग उसको वाह वाह कहते हैं, खुशबाश कहते हैं और फिर उससे पूछते हैं, मोहतरम डिप्टी सेक्रेटरी साहब, आपने इस रूस को खत्म कैसे किया, कम्युनिज्म के फलसफे को बर्बाद कैसे किया। उन्होंने कहा कि बस एक ही काम हमने किया है, वो क्या कि हमने एक रिसाला एनकाउंटर नाम का जो है वो जारी किया और वो रिसाला मार्क्सिज्म की जो फिलॉसफी है उसको बयान करता था और उस रिसाले को आकार हमने दिया, पैसे हमने दिए, राइटर हमने दिए, लेकिन वो सारे लोगों की जो बात बयान करता था वो सिर्फ मार्क्सिज्म की थी। कहते हैं फिर आपने फतह कैसे पाई, उन्होंने कहा हमने इस तरह फतह पाई कि हम तुम्हें ये पूछते हैं कि अगर कोई बाइबल में ये कहे कि आज के बाद निहाना नहीं है, गुस्ल नहीं करना, मिसवाक नहीं करना, पोश नहीं करना, हम ये बताएं तुम्हें कि गंदगी में डूबे रहना है, मुझे बताओ कोई कौम इस बाइबल के हुक्म को मानेगी का नहीं मानेगी। उसने कहा ने यही काम किया कि इतना उसको बदतरीन और इंसानियत सोच बना के उसकी तालीमात को पेश किया जिससे लोग उससे नफरत करने लगे। मैं सोच रहा था शायद कोई एक और डिप्टी सेक्रेटरी पेंटागन के किसी कोने में बैठ के आज हमारे उलमा को ये सिखा रहा होगा, आज जो दीन के लंबकार अपने आप को कहते हुए बता रहा होगा कि दीन को इतना खौफनाक बना के पेश कर दो कि आज जदीद दौर में आंखें खोलने वाला कोई बच्चा उस दीन के नाम से नफरत करने लग जाए। ये कुछ आज हमारे साथ हजरत मोहतरम वो दीन जिसके नबी ने रहमत सिखाई, सराफा कर्म सिखाया। मैं पढ़ रहा था सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा के ऊपर हमला आवर होने के लिए तशरीफ लाए, 10,000 का सिपाह आपके साथ है, मेमना भी मौजूद है, नेसरा भी मौजूद है, तलब भी मौजूद है और हजूर उस सिपाह सालार के तौर पर उसकी क्यादत फरमा रहे हैं और मक्का में दाखिल होने की कैफियत सिखा रहे हैं।
हमारा कुल इस बात का अजहर इस तकलीफ में हम लोग को उतारा है। और मैं आप तमाम दोस्तों से ये भी दरखास्त जरूर करूंगा कि दुआ भी किया करें उस मुल्क की सलामती के लिए, क्योंकि वो कौमें जिनकी आजादी की नस्बत जिनको मौजूद नहीं आती वो बर्बादी की तरफ चली जाती है। आज हमें घर मुजस्सर है, आज हमें पना मुजस्सर है, आज हमें ये चीजें बढ़िया है, लेकिन अगर मुल्क ना रहे तो ये समान चीजें आप मंदी खत्म हो जाती है। अल्लाह करीम हमारे मुल्क को अपनी इज्जत को हिफ्ज़ को अमान में रखे, हमारे अहले इस्लाम को हमारे उलमा को। मैं अगर ये तारीफ मुंह के ऊपर करना अच्छा अमल नहीं समझा जाता, लेकिन अपने किसी इंसान की गैरत का एतराफ कर लेना ये भी कोई गुनाह की बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ आज अहले सुन्नत की जिस तरीके से हमारे मुफ्ती आजम हजरत क़िबला मुफ्ती मुनीर रहमान साहब सियादत और क़यादत कर रहे हैं काबिले तहसीन है। हम इसे तो सलामती के लिए भी दुआ को हैं और उनकी हिफाजत के लिए भी दुआ को हैं। अहले सुन्नत ने इस पर कुर्बानियों की कोई कमी नहीं छोड़ी, बड़े बड़े जलीलुल कदर खानदानों के अफराद ने कुर्बानियां दी है। हमारे मोहतरम जनाब हमारे नईमी साहब सफर डॉक्टर सफराज नईमी साहब अभी से रास्ते पे चली है, हम दुआ को हैं अल्लाह ताला इन लोगों की कुर्बानी को जाया होने से बचाए। मैं मोहतरम जनाब कुर्बानी अफगानी साहब का सब शुक्रगुजार हूँ, जैसे कमीर इंसान को उन्होंने यहाँ हाजिर होने का मौका बख्शा, अल्लाह उनकी इज्जतों में हमें इजाफा फरमाए। आप सबका बहुत शुक्रिया। आखिर दावाना।